हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं अहमदाबाद से कल्पेश भाटिया मोदी। आप झूठ के जुमले से बाहर कब आओगे? हर बार झूठ 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 का सहारा और युवा धन को उनका माइंड वॉश करते ही रहते हो आप। ये बंद कीजिए प्लीज। ढाई साल में आप कोई अच्छा काम नहीं कर पाए हो। हर बार आपके अपने आप को चुनौती देते हो, जनता को बहकाते हो कि अभी ये 50 दिन में कुछ अच्छा ना होए, तुमने जो चाहा था हिंदुस्तान वो मैं ना करूं तो मुझे चौराहे पे सजा देना। भाई, कौन से कानून में लिखा है कि जनता प्रधानमंत्री को सजा देगी और वो प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करेगा? अरे यार, आप किसी को मिलते नहीं हो। आपको पता है देश की हालत क्या है? और 50 दिन के अंदर तो देश का अर्थतंत्र बैठ जाएगा। कदम अच्छा है, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हो? आप बोलते हो बैंक में से सिर्फ 24,000 रुपए मिलेंगे हफ्ते में, तो आप समझो आपका दिमाग है तो कि 12 नोटे हुई 2,000 की, तो देश में से लाखों के बंडल, 2,000,000 के 10-10 बंडल कैसे पकड़ते हैं पुलिस वाले? वो आप समझो आपके बीजेपी के एजेंट लोगों को दे देते हैं नोट। आपका एक सीनियर वकील था आपके पास, यतीन ओझा, जो आपके आपका कभी साथी था, वो गुजरात में खुला आरोप लगा रहा है अमित शाह के आदमियों के ऊपर कि 1,63,00,000 यहां दे रहे हैं इनके आदमी। ये गलत लगाते हैं सब, आपके दुश्मन है क्या? ये गलत बात नहीं करो मोदी जी। और आप कांग्रेस को क्यों कोसते हो कि 70 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया? और आपका वकील सुप्रीम कोर्ट में सौगंधनामा देता है कि 70 साल का काला धन निकाल रहे हैं। अरे कुछ तो दिमाग लगाते हैं आप और आपका वकील कि 1978 में मुरारजी देसाई ने काला धन बाहर निकालने के लिए बड़ी नोटें बंद कर दी थी, उसी टाइम काला धन पूरा बाहर निकल गया था। अब उसके बाद 80 तक वो सत्ता में रहे, उसके बाद 36 साल का जो शासन था, 36 साल के शासन में 6.5 साल आपके गुरु वाजपेयी, 2.5 साल से आप बैठे हो, 9 साल हो गए, और 7 साल मिश्र सरकार आई, देवगौड़ा जी और वगैरह वगैरह, गुजराल जी और वगैरह वगैरह, समझो 16 साल हो गए, 10 साल मनमोहन सिंह का सबसे अच्छा शासन, दुनिया के सबसे अच्छे आदमी जिन पे एक दाग नहीं है, जो आप लोगों ने इनको बदनाम कर दिया और आपकी अभद्र बोली ने तो उनको देहाती औरत तक कर कह दिया। उसी टाइम आप सीएम थे, सीएम को ये भाषा शोभा नहीं देती थी। और आपको तो आप कैसा कैसा बोले हो किसी महिला को कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसी ने बिचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो आप ऐसे झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ कह रहे हो, रैलियों में बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, ये काम बंद कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। और आपने किया क्या है? आपने बोला था मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, 2.5 साल में 5 करोड़ लोगों को नौकरी दी, और ये 2-5 करोड़ लाख का काला धन आ जाएगा तो क्या नौकरी मिल जाएगी सबको? आपकी अकल का, आपकी आईक्यू का एक नमूना मैं आपको पेश करता हूं कि आपने देश में जहां जहां शौचालय बनाए ना, उसमें आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आदमी जब सोच करता है, संडास जाता है, तो उसको कम से कम 15 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। आपने हर जगह पे शौचालय बना लिया, एक शौचालय में दिन में 4 आदमी फैमिली का सोच करे तो 60 लीटर पानी का इसके पास स्टॉक कहां है? ऐसे ही देश के पैसे को बर्बाद कर रहे हो। देश की सारी सरकारें, जिसमें वाजपेयी की भी सरकार आ गई, उन्होंने कभी पेट्रोल डीजल पे 4 आना भी एक्स्ट्रा नहीं लिया था। आप पेट्रोल डीजल पे 20 से 30 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हो, फिर भी जनता को क्या दे रहे हो? 40 रुपए वाली दाल, 45 रुपए वाली दाल, जो 45 रुपए हो गए तब आपके सांसद अडवाणी, हेमा मालिनी सब रोड पे आ गए थे, जब 200 रुपए किलो दाल हो गई तो आप कहां थे?
क्या किया आपने? 5 रुपए किलो वाली प्याज 100 रुपए खिलाई, 10 रुपए किलो वाले टमाटर 100 रुपए खिलाए आपने, और आप बोलते हो देश को कि आपने जो चाहा है हिंदुस्तान में ऐसा लाके खड़ा कर दूंगा। अरे यार, आपसे एक फ्राई पापड़ भी नहीं टूटने वाला। जो काम देश के सचिव कर सकते हैं और वो विदेश में जाके एमओयू करके, उसी के लिए आप विदेश घूम के आए, पैसे की बर्बादी कर दी, क्या जरूरत थी? खाली देश प्रेमी देश प्रेमी देश प्रेमी ये बातें सब बंद करो। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।